इको का चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर की मैंने पहले दो वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 और साथ में पेज नंबर 3 एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। ये आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस पेज नंबर 3 में ये दिया था कि हम एक पीस ऑफ लैंड से किस तरह से ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो उसका एक तरीका है बहुविध फसल प्रणाली, जिसमें हम एक पीस ऑफ लैंड में एक ही मौसम में एक से ज्यादा फसलें उगाते हैं। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। इसके साथ हमारा एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम खेत में एक भी पीस ऑफ लैंड में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, वो है कि हम खेती में ज्यादा से ज्यादा आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करें। तो इस तरह से हम एक ही भूमि के टुकड़े से ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस तरह से हम एक ही पीस ऑफ लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उसके दो मेथड है, एक आपका बहुविध फसल प्रणाली और दूसरा आधुनिक कृषि विधियां। तो यहाँ पे देखिए, मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर तथा गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। ये सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक में अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से उस पैरा को देख लेते हैं कि किस तरह से, जब पहले अगर बात की जाए तो किसान जो थे वो पुराने बीजों का इस्तेमाल करते थे, पारंपरिक बीजों का इस्तेमाल करते थे अपनी खेती में, जिनसे उपज जो होती थी वो बहुत ही कम होती थी। और एक चीज ये भी है कि इन बीजों को बहुत ही कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी, कम पानी की आवश्यकता होती थी। तब इतने सिंचाई के मेथड नहीं होते थे कि फार्मर्स आराम से पानी इनकी सिंचाई कर सके, क्योंकि फार्मर्स जो थे वो आज भी अगर हम देखे जाए तो फार्मर्स जो किसान होते हैं वो अपने खेतों की सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर होते हैं। तो इस तरह से वो उन्ही बीजों को प्रेफर करते थे जिनमें कम पानी लगे, कम सिंचाई हो। मगर किसान अगर उर्वरकों की बात करें, उस टाइम जब पहले वो खेती करते थे तो जो उर्वरक इस्तेमाल करते थे वो भी गाय के गोबर को इस्तेमाल करते थे, जो कि एक प्राकृतिक खाद की तरह प्रयोग करते थे। ये सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, ये सब चीजें उनके पास उपलब्ध होती थी, इसलिए इन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता था, इसलिए जो उनके पास होता था वही उसी को लगा के वो प्रोडक्शन ज्यादा अपनी बढ़ाते थे। पर उससे इतना ज्यादा उपज नहीं होती थी जितना अगर हम 1960 के दशक के बाद देखें। तो 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों तो 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति स्टार्ट हुई, जिसे हम इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। और ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड है आपकी एग्रीकल्चर फील्ड से। इसके जो जनक है वो है MS स्वामीनाथन। और फर्स्ट जब हमने ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई इंडिया में, तो वो स्टार्ट हुई गेहूं और चावल की खेती को बढ़ाने के लिए, चावल और गेहूं की खेती में जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए इस हरित क्रांति का आविष्कार हुआ, इसको स्टार्ट किया गया। और इसमें अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या मेथड यूज किए जाते हैं जिससे प्रोडक्शन ज्यादा होती है। तो हम इस एक एक लाइन को पढ़ने से अच्छा है कि हम बस इस डायग्राम को समझ लें। अगर ये डायग्राम भी आपको अच्छे से एग्जाम में याद रहेगा तो आप आराम से याद कर सकते हो कि जो मॉडर्न मेथड्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, जो मॉडर्न मेथड यूज करते हैं जिससे हम प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा सकते हैं, वो कौन कौन से मेथड होते हैं। तो वो आपके, जैसे आप बीच में देख सकते हैं कि आधुनिक कृषि विधियां लिखी गई हैं। तो अब हम एक एक देखते हैं कौन कौन से आधुनिक कृषि विधियों की बात हुई है। तो पहला है आपका अधिक उपज वाले बीज, जिनको हम HYV सीड्स बोलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोलते हैं इनको। तो इसमें क्या होता है, जो बीज अगर हम एक बीज डालते हैं तो उससे आपको ज्यादा, अगर परंपरागत वाले बीजों की तुलना में बात करें, उनसे कंपेयर करें इसको, तो अगर उन बीजों में से एक बीज से 10 बीज आपका और प्रोडक्शन होता है, तो इसमें आपका एक बीज से 20 बीज बन जाते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से ये अधिक उपज वाले बीज होते हैं। सेकंड आपका उर्वरक, पहले जैसे गोबर खाद प्राकृतिक खाद का रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता था किसान, जो घर में अवेलेबल होती थी। बट आप क्या करते हैं, घर में इन द सेंस की जो अगर फार्मर्स
जानवर को पाल रहे हैं, काऊ या बैलो, तो इस तरह से उनको वो प्राकृतिक खाद मिल जाती थी। बट अब अगर आपको प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ानी है तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करना पड़ेगा सॉइल की फर्टिलिटी को रिगेन करने के लिए, बार बार उपजाऊ बनाने के लिए। अगर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति आपको एकदम मेंटेन रखनी है तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स मिलाने पड़ेंगे, और इससे हर मिट्टी जो होती है वो उर्वरक उपजाऊ होती है। फिर आपका कीटनाशक, अगर आपने याद होगा तो आपको फसलों में कीड़े लग जाते हैं जिससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो कीटनाशक भी एक रासायनिक तत्व होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, जिससे कि कीड़े मर जाते हैं और जो फसल है वो आपकी अच्छी सी होती है और प्रोडक्शन आपका अच्छा होता है। इसके साथ ही हम ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं प्लोइंग करने के लिए, खेतों में जुताई उताई करने के लिए हम ट्रैक्टर्स का और थ्रेशर्स का यूज करते हैं फसल की कटाई के टाइम पे। इसी के साथ हम सिंचाई, जो इरिगेशन है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, पहले किसान जो थे वो वर्षा पे निर्भर थे, मगर अब क्या है सिंचाई के बहुत सारे मेथड आ गए हैं, जैसे कि नहरें हो गई, आपका पंप सेट हो गया, बिजली हो गया, बांध हो गया, तो इन सब की सहायता से जो सिंचाई है, जैसे ट्यूबवेल्स हो गए, नहरों को हम कैनाल्स बोलते हैं, डैम हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम आराम से सिंचाई बहुत बड़े फार्म में, बहुत बड़े लैंड में हम आराम से सिंचाई कर सकते हैं, और आप किसानों को वर्षा पे निर्भर नहीं होना पड़ता। तो इन सब टोटल अगर हम सब चीजों की बात करें, अधिक उपज वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, सिंचाई के विभिन्न प्रकार जिस तरह से हम सिंचाई करते हैं, और ट्रैक्टर्स जो आधुनिक मशीनें हैं, तो इन्हीं सबको हम बोलते हैं आधुनिक कृषि विधियां जो हम इस्तेमाल करते हैं हरित क्रांति के अंतर्गत। तो ये हमारे दो मेथड होते हैं जिसके थ्रू, जिसके द्वारा हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। एक है आपका बहुविध फसल प्रणाली और सेकंड आपका है आधुनिक कृषि विधियां। नहीं तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बुक में बस एक एक लाइन पूरी, हमको बस रीडिंग पोर्शन कम्प्लीट करना है जो इन्होंने पूरा का पूरा दिया गया है कि ये अधिक उपज वाले बीज क्या होते हैं। तो एक बार बस मैं आपको रीडिंग कम्प्लीट करा देती हूँ। मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी, इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी, अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। तो इस तरह में वही चीज उन्होंने एक्सप्लेन करी कि हमें किस तरह के मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करना चाहिए अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन, जिससे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। तो ये हमें सभी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए, भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए वन मार्क में कि भारत में सबसे पहले किस स्टेट में ये किसानों ने खेती के आधुनिक मेथड्स का यूज किया या ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, तो वो कौन से इंडिया के स्टेट होंगे, वो होंगे आपके पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आप देखिए, इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। तो मशीनों का काम ही वो होता है कि वो इंसानों की तुलना में ज्यादा तेजी से काम करती हैं, और इससे जो होता है प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है और मेहनत भी कम लगती है। उन्हें इनसे गेहूं की ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई। तो इससे ये पता चलता है कि उन्हें किस फसल की ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई, गेहूं की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे बड़े स्टार्ट हुआ था गेहूं और चावल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट तरह, पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टर थी, HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब आप ट्रेडिशनल परंपरागत बीजों का इस्तेमाल करते थे गेहूं की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, गेहूं की खेती करते थे, तो सिर्फ हमें इतना 1300 किलोग्राम प्राप्त होता था प्रति हेक्टर, बट जब हमने HYV सीड इस्तेमाल करे, बीजों का इस्तेमाल किया, तो अब हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई प्रति हेक्टर। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफी मात्रा उपलब्ध थी। तो अब जब उनके पास, किसानों के पास ज्यादा प्रोडक्शन हो गई, तो अब वो अपने लिए सेव कर लेते जितना उनको खाने पीने के लिए पूरे साल का लगता था, उनके परिवारों के लिए उतना रख लेते थे, और जो बाकी जो एक्स्ट्रा होता था, जो अधिशेष वर्ड है, जो एक्स्ट्रा होता था, वो उस गेहूं को वो बाहर बेच देते थे, जिससे कि और इनकम सोर्स आपका तैयार हो जाता था किसानों का, उनकी इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाती, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरे साल इंसान सिर्फ गेहूं खाएगा बल्कि और चीजें भी वो खरीदेगा। इसके बाद कुछ एक्टिविटीज हैं, आप खुद ही रीड कर लीजिएगा अपने आप। फिर हमारा जो थर्ड टॉपिक आता है
भूमि के अंतर्गत वो है, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी। तो क्या भूमि ये धारण कर पाएगी, इसके अंदर हमें पढ़ना है कि जो भी हम मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, क्या भूमि पे उसका अच्छा असर हो रहा है कि कुछ नेगेटिव असर हो रहा है। तो भूमि, तो एक बार रीड करते हैं, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। तो हम इसमें यही समझते हैं, पूरे पैरा से हमें जो समझ में आता है कि भूमि, पहले तो बात, ये भूमि एक प्राकृतिक संसाधन, एक नेचुरल रिसोर्स है जो गॉड गिफ्टेड है, और ये बहुत सालों में चीजें बनती हैं, तो हमें इनको सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए। बट जब हमने मॉडर्न मेथड्स यूज करे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो उसके साथ ही इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा खेती पे, भूमि पे। तो इसमें हमने देखा, जब हमने हरित क्रांति में उर्वरक, ज्यादा से ज्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल करते, तो उर्वरक एक तरह के केमिकल होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को कम कर देते हैं। और साथ ही नलकूपों से बिजली की सहायता से हमने बार बार बहुत अच्छे से सिंचाई करना स्टार्ट किया, तो सिंचाई कभी कभी क्या होता है, वो हमने ओवर इरिगेशन कर लिया। ओवर इरिगेशन से जो होती है टॉप सॉइल जो होती है, जो जो ह्यूमस कंटेन करती है, जिसके वजह से फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, हम असली में मानते हैं कि वही फर्टिलिटी होती है सॉइल की, वो रिमूव हो जाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती, और साथ ही हमने इतना पानी वेस्ट कर देते हैं ट्यूबवेल से इरिगेशन करने के लिए, कि जो धीरे धीरे जो हैंडपंप और ट्यूबवेल का जो लेवल होता है पानी का, भौम जल का, वो भी धीरे धीरे, ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस तरह के जो दोनों हमारा जो वाटर है और जो मिट्टी है, अब भौम जल और जो मिट्टी की उर्वरता है, ये नेचुरल चीजें हैं, ये पर्यावरणीय संसाधन है, और इनको बनने में बहुत कई वर्ष लग जाते हैं। तो अगर हमने इनको एक बार नष्ट हो गया ये चीज, तो बहुत कठिनाई होगी हमें इनको फिर से रिगेन करने में। तो इसलिए हमें कृषि का भावी विकास, फ्यूचर इसको डेवलप करने के लिए बहुत ही सुनिश्चित तरीके से हमें पर्यावरण की भी देखभाल करनी चाहिए। इसके बाद हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया है, 5 पेज। नाउ अब हम मूव करते हैं 6 पेज पे, जो कि पूरा का पूरा पिक्चर बेस्ड पेज है। थोड़ा सा इसमें ये दिया है कि पालनपुर गांव में कृषि भूमि का वितरण, अगर इस पिक्चर में आप देखें, हर एक पिक्चर में कुछ बातें छिपी हैं, तो बस समझने की जरूरत होती है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन विलेज पालनपुर, कि अगर आप देखें तो कुछ लैंड बहुत बड़े हैं, कुछ पीसेज जो लैंड है वो बहुत बड़े हैं, कुछ बहुत ही छोटे छोटे हैं, और बहुत सब में डिवाइडेड है। तो इससे मैं पता चलता है कि कुछ लैंड पीसेस बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा और कम हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, जो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें समझाया गया है। आपने ये जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है, ये बात तो हमें पहले से समझ में आ गई है कि अभी हम कोई भी काम करें या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्शन स्टार्ट करें, तो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह से हमें खेती के लिए भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर भूमि नहीं होगी तो खेती हम कर ही नहीं सकते हैं। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है, और ये भी बात बहुत ही क्लियर है, और ये दुर्भाग्य भी है हम लोग हमारा, कि हम खेती करना चाहते हैं, लोग खेती करना चाहते हैं, पर उनके पास जमीन नहीं होती। तो पालमपुर में भी कुछ ऐसी स्टोरी है कि पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई, अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित हैं, जो हमने पेज नंबर 1 में पढ़ा था। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती, क्योंकि इतने छोटे छोटे पीसेस ऑफ लैंड है, या तो है नहीं, और है तो इतने छोटे कि उनमें प्रोडक्शन होती नहीं, और जब प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो इनकम क्या होगी। एक्स्ट्रा तो बहुत दूर की बात है, सरप्लस इनकम, जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसकी तो बहुत दूर बात है, वो अपना खुद का गुजारा भी नहीं कर पाते हैं। बाकी आप एक स्टोरी दी हुई है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। बाकी चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं, जैसा कि पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं, दूसरी ओर गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के प्लॉट हैं।
पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। तो इसमें आपको डिवीजन बताया लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कि छोटे लैंड किसके पास है, छोटे टुकड़े जो लैंड है वो छोटे किसानों के पास है, इसके बाद जो थोड़े से बड़े हैं वो मझोले, और ज्यादा बड़े जो प्लॉट है वो किसके पास है, बड़े किसानों के पास है। तो इस तरह से कैटेगरी हो गई। हमारे पास 3 तरह के किसान होते हैं, एक होते हैं बड़े किसान, एक होते हैं मझोले और एक होते हैं छोटे। छोटे किसानों के पास बहुत ही छोटी जमीन होती है, मझोलों के पास थोड़ी सी बड़ी होती है, और सबसे ज्यादा बड़ी बड़े किसानों के पास होती है जो कि 10 हेक्टेयर के करीब हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 7 और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका टॉपिक श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। श्रम की व्यवस्था मतलब लेबर, लेबर कैसे इस फील्ड में लेबर आप कहाँ से प्रोवाइड करोगे, कौन यहाँ पे खेती करेगा। तो भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि उत्पादन के मेन कुछ कारक होते हैं, तो उसमें से पहला हमने भूमि, भूमि के सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। अब भूमि के बाद हमारा आता है सेकेंड लेबर। तो श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, हर एक काम में मेहनत बहुत लगती है। हमें लगता है बहुत इजी होता है बट नहीं, ऐसा नहीं होता। हर काम में बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, तो खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। अगर परिवार में 10 लोग भी हैं तो वो सारे खेतों में काम करते हैं ताकि कुछ इनकम वो बचा सकें। तो छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। तो जो छोटे किसान है उनके पास छोटी जमीन है तो उनको इतनी जरूरत नहीं पड़ती किसी तरह के लेबर की, तो वो अपने परिवार के लोगों के साथ मिलजुल के उन खेतों में काम कर लेते हैं। कोई बुआई कर लेता है, कोई कटाई कर लेता है, कोई रखवाली करता है फसलों की। तो इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। तो श्रम अपने आप ही वो व्यवस्था कर लेते हैं कि कौन कितना लेबर और कैसे लेबर होगा उसमें। मझोले और बड़े किसान क्योंकि उनके खेत जो होते थे वो बड़े बड़े होते हैं तो उनको नौकरों की जरूरत पड़ती है। नौकरों का मतलब श्रमिकों की जरूरत पड़ती है और ये श्रमिक को किराए पर लगाते हैं। किराए पर मतलब उनको काम के बदले पैसा देते हैं, या तो पैसा देंगे या तो अनाज देंगे। तो ये चीज डिस्क्राइब की है। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसलों पर कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि अधिकार तो किसका होता है, अधिकार तो जो मेन उसके किसान है, जैसे मझोले किसान और जो बड़े किसान जिनकी वो प्रॉपर्टी है वही उसके असली हकदार होते हैं। और इन छोटे श्रमिकों को ये है कि वो इनको क्योंकि इनसे किराए पर काम कराते हैं तो उनको वो या तो पैसों में सैलरी दे देते हैं उनका मेहनताना, या तो वो अनाज के रूप में दे देते हैं। नाउ थैंक यू एवरीवन, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।